पीएम मोदी 3 दिन की अमेरिका यात्रा के बाद दिल्ली रवाना। आज शाम दिल्ली पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान पर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। वैश्विक मुद्दों समेत अन्य मामलों को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को पीएम मोदी का शांति संदेश। कहा आतंकवाद शांति में सबसे बड़ी बाधा। शांति और विकास के लिए ग्लोबल रिफॉर्म जरूरी है। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ की द्विपक्षीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय बैठक की। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में मौत। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से मौत हुई। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत मामले में होगी जांच। महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया। डीसीपी रैंक के अधिकारी शामिल। बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में मौत पर जश्न। स्थानीय लोगों ने मिठाइयां बांटी। एनकाउंटर के बाद पटाखे फोड़कर लोगों ने जश्न मनाया। मलाड़ के पूर्व कुरार इलाके में खुशी मनाते हुए नजर आए लोग। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में घायल पुलिसकर्मी को 51,000 का इनाम। राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने घायल पुलिसकर्मी से वो जल्द मुलाकात करेंगी। बदलापुर एनकाउंटर पर शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान। कहा बदलापुर घटना के आरोपी का एनकाउंटर होना अच्छी खबर। जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो पुलिस के साथ खड़े हैं या आरोपी के साथ। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। बदलापुर एनकाउंटर पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। जांच के बाद और जानकारी सामने आएगी। उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर विपक्ष पर निशाना साधा। बोले विपक्ष हर चीज पर सवाल उठाता है। अक्षय शिंदे की पत्नी ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत गलत बात है। महाराष्ट्र में एमआईएम और बीजेपी आमने सामने। नीतीश राणे के बयान के विरोध में इम्तियाज जलील की चलो मुंबई रैली। मुंबई में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले पर प्रदर्शन। डिप्टी पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना दिया गया। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। सीएम आवास पर दोनों के बीच करीब 30 मिनट तक मुलाकात हुई। रामदास अठावले को लेकर मजाकिया अंदाज में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कहा चौथी बार सरकार बनने की गारंटी नहीं, लेकिन मौसम वैज्ञानिक रामदास अठावले का मंत्री बनना तय है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा अंदरूनी और बाहरी के तौर पर राहुल गांधी अब विभाजन कर रहे हैं। आपकी बहना आप केरल से चुनाव लड़ेगी तो आपकी बहना बाहरी है। आपकी बहना हिमाचल प्रदेश में घर बना दे तो क्या वो बाहरी है। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी पदाधिकारियों से बातचीत करेंगे। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लैंड जिहाद से जमीन और जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन जनभावना से कोई सरोकार नहीं। तिरुपति प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट की पुष्टि। घी सप्लाई कंपनी के 4 सैंपल फेल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस भेजा। FSSAI ने भी मांगा जवाब। तिरुपति मंदिर परिसर में रसोई का किया गया शुद्धिकरण। तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद ने किया है बैठक। हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग की गई।
मध्य प्रदेश में आर्मी स्पेशल ट्रेन में डेटोनेटर ब्लास्ट का मामला, 3 दिन के आरपीएफ रिमांड पर आरोपी साबिर, आरोपी का आतंकी संगठन सिमी से कनेक्शन खंगाल रही एजेंसी, आरोपी ने बुरहानपुर ट्रैक पर रखे थे 10 डेटोनेटर। मुंबई एयरपोर्ट का बदला जाएगा नाम, संत तुकाराम महाराज के नाम पर होगी एयरपोर्ट की पहचान, शिंदे कैबिनेट ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बिहार के मुजफ्फरनगर में एलजेपी सांसद वीणा देवी के बेटे की सड़क हादसे में मौत, दिनेश्वर पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। मध्य प्रदेश के सागर में भाग्योदय हॉस्पिटल में लगी भीषण आग, ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से हादसा हुआ, दवाइयों के गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। उत्तराखंड के चमोली में भीषण भूस्खलन से हड़कंप, हालांकि मौके पर कोई वाहन ना होने की वजह से बड़ा हादसा टला, फिलहाल मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। तेलंगाना के करीमनगर में कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर किया हमला, मां ने बेटे को बचाया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में स्कूल बस और बाइक की टक्कर, बाइक सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल, हादसे के बाद पलटी बस, 5 बच्चे घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई, हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने से हादसा, मलबे में दबे 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत गंभीर, मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट बनाने वाले गैंग का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 10 आरोपी गिरफ्तार, 5 लाख के नकली नोट, 13 मोबाइल फोन, 10 फर्जी आधार कार्ड, 8 लैपटॉप और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद। सपा नेता मोहम्मद रफीक अहमद चला रहा था जाली नोटों का कारोबार, गिरोह के पास से 4 सुतली बम, 10 देशी तमंचा, 30 जिंदा और 12 फायरशुदा कारतूस बरामद किए गए। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर, आरपीएफ के 2 सिपाहियों की हत्या में वांटेड था। बदायूं में ऑनलाइन गेम खेलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, फायरिंग का भी लगा आरोप, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मुजफ्फरनगर में शख्स की हत्या से सनसनी, आरोपियों ने शव को दुकान से नीचे फेंका, सीसीटीवी में शव फेंकते आरोपी नजर आए। महोबा में दोस्तों ने की युवक की पिटाई, शराब के लिए रुपए नहीं देने पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। देवरिया में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने व्यापारी के घर पर किया हमला, जमकर चला ईंट पत्थर, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की, वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गाजीपुर में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, अपने शौक को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देते थे, पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया है। अलीगढ़ में बदमाशों ने की युवक की हत्या, फोन कर पहले घर से बुलाया और फिर सिर में मारी गोली, बदमाशों ने सड़क किनारे फेंकी लाश, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली है, मारपीट में एक बुजुर्ग समेत 3 महिलाएं घायल हो गए हैं, इलाज के लिए इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के कानपुर में गोल्डी मसाले कंपनी का चलो चांद से हाथ मिला लकी ड्रॉ समागम, मुख्य अतिथि अवनीश अवस्थी ने लकी ड्रॉ का शुभारंभ किया, कार बाइक समेत लाखों रुपए के पुरस्कार बांटे गए। नित नए उत्पादन और प्रयास यही रहता है कि क्वालिटी की गुणवत्ता एवं प्राइस का स्ट्रक्चर ऐसा हो कि जिसमें हमारे उपभोक्ताओं का कोई शोषण ना हो। लेबनान में इजरायली सेना ने मचाई तबाही, लेबनान में इजरायली हमले में 492 लोगों की मौत, जिनमें 24 बच्चे शामिल, 1600 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। इजरायल ने लेबनान पर बरसाया बम, 1 घंटे में 150 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, हिजबुल्ला के 300 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया, हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान घाटी में हमले के साथ इजरायल हिजबुल्ला संघर्ष हुआ और तेज, इजरायल ने लेबनान पर 4 दिन में 900 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, आईएएफ के जेट और ड्रोन ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर 1400 से ज्यादा हथियार दागे।
घातक इजरायली बमबारी के कारण लेबनान में भय और तनाव का माहौल, लोग सुरक्षित जगहों पर जाते दिखे गए। इस वजह से कई शहरों में ट्रैफिक जाम की स्थिति भी दिखी। हिजबुल्ला ने भी इजराइल की ओर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजराइल ने आसमान में हिजबुल्ला की मिसाइलों को नष्ट कर दिया। लेबनान पर हमले को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर हिजबुल्ला लेबनान को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है कहा, हमारी लड़ाई लेबनान के साथ है, साथ नहीं बल्कि हिजबुल्ला के साथ है। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला को बड़ा झटका दिया। इजरायल ने हिजबुल्ला के सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए। इजरायली हमलों में लेबनान के हर घर पर मंडरा है खतरा। लेबनान के एक पत्रकार के घर पर हमला हुआ, लाइव प्रसारण के दौरान हमला हुआ है। हिजबुल्ला का इजरायल पर पलटवार, लेबनान ने दागे 205 मिसाइल। करियात और एकर पर 25 रॉकेटों की नई बौछार। वादियारा और खाड़ी में अलर्ट जारी। लेबनान में इजरायल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ती हिंसा को देखते हुए अमेरिका ने मध्य पूर्व में तैनात की सेना। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान छोड़ने का अलर्ट भी जारी किया है। आईडीएफ ने लेबनानी नागरिकों को बेका घाटी के इलाकों को खाली करने की चेतावनी दी है। आईडीएफ का दावा, बेका घाटी में हिजबुल्ला ने छिपाए हैं हथियार। हिजबुल्ला ने पलटवार करते हुए इजराइल पर आधी रात 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। आयरन डोम ने सैकड़ों रॉकेट को नष्ट कर दिया। उत्तरी इजराइल में पूरी रात बजता रहा सायरन। इजरायली हवाई हमले के बाद लेबनान के शहर सिडोन में धुआं उठता दिखाई दिया। दक्षिण और पूर्वी लेबनान में इजरायल ने सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। देर रात लेबनान से इजरायल में दागे गए कई रॉकेट, इजरायल के आयरन डोम ने आसमान में रॉकेट को तबाह कर दिया।